श्री राम की नगरी अयोध्या स्थित आचार्य पीठ श्री तपस्वी जी की छावनी के जगत गुरु परमहंस आचार्य जी से हमारे संवाददाता सुबोध श्रीवास्तव ने खास बातचीत की। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। इस वक्त मैं प्रभु श्री राम की धर्म नगरी अयोध्या तपस्वी छावनी के महंत श्री रामदास जी महाराज के पास मैं हूँ, जो कि ये इस वक्त जो अगर इन्होंने एक मुहिम चलाई थी राम मंदिर को लेकर के, यानी चिता पर भी बैठने जा रहे थे और अनशन किया और ये जाने माने परमहंस के तौर पर पूरे भारत में छा गए। और आज इसी संदर्भ में मैं इनसे मिलने आया हूँ, यानी टीवी मंडल न्यूज की टीम आज यहाँ पर जो आई है परमहंस से बात करने के लिए और इनसे पूछेगी कि 5 अगस्त ही क्यों चुना गया भूमि पूजन के लिए। यानी बहुत बड़ी बात है, और भी डेट हो सकते थे, यानी 6 हो सकता था, 8 हो सकता था, यानी 1 अगस्त भी हो सकता था, आखिर क्यों 5 अगस्त ही क्यों चुना गया। आइए बात करते हैं महंत परमहंस दास जी से। महाराज जी ये बताइए कि आज थोड़ा ये बताएं कि आप 5 अगस्त ही क्यों चुना गया। ऐसा है कि सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को मैं जय श्री राम बोलना चाहूंगा, धन्यवाद देना चाहूंगा। और साथ ही साथ कोविड-19 के लिए लोग मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। 5 अगस्त ये राष्ट्रीय एकता और अखंडता का दिवस बन गया है, क्योंकि पिछले वर्ष में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 5 अगस्त को ही हटाया गया था और जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन करके जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित राज्य बनाया गया था। तो राष्ट्र की एकता और अखंडता का दिवस है 5 अगस्त। और अब जो है यह जो है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के दिव्य भव्य राम मंदिर निर्माण का भूमि पूजन भी प्रथम फावड़ा चला करके और आधारशिला माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रखने जा रहे हैं। तो दुबद्धम सुबद्धम भवति, यह तिथि ऐतिहासिक हो गई है। हालांकि हर युग में कहीं देव जहां देवता है तो राक्षस भी है। जैसे एनसीपी के नेता शरद पवार ने जो कहा है कि समय कोविड-19 के कारण मोदी जी के जाने से क्या कोविड-19 खत्म। हाँ, पूजा पाठ करने से, जग करने से, जय श्री राम बोलने से, भारत माता के जय वंदे मातरम बोलने से, सैनिटाइजर का प्रयोग करने से, मास्क लगाने से, साफ सफाई रखने से और भूमि पूजन करने से निश्चित रूप से इससे जो है कुछ न कुछ बचाव होगा। तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो 5 अगस्त को आ रहे हैं, इसमें जो है शरद पवार जैसे कुछ राक्षसों को लगातार गुजर रहा है और कांग्रेस के जैसे उस्मानी इत्यादि नेता कहते हैं कि हमको मस्जिदों में जाने से रोका जाता है, अपना मंदिर में जा रहे हैं। उनको यह नहीं पता है कि अभी वहां मंदिर नहीं है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सिर्फ भूमि पूजन करने जा रहे हैं। मैं उस्मानी साहब को बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ पत्थरबाजों का और देशद्रोहियों का, टुकड़े टुकड़े गैंग का, देश में आग लगाने वालों का, उनका सपोर्टर पार्टी है कांग्रेस पार्टी। 70 सालों से जो देश में कुठाराघात करती रही, भारतीय संस्कृति को तोड़ती मरोड़ती रही, ऐसी कांग्रेस पार्टी जो है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आगमन पर अगर सवाल खड़ा करे कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि ये लोग भगवा को जो है आतंकवाद का स्वरूप बताते रहे, मर्यादा पुरुषोत्तम को काल्पनिक कहते रहे। सही में तो अब कांग्रेस मुक्त भारत होने जा रहा है, उसी की तिलमिलाहट से प्रतीत हो रही है। और साथ ही साथ में कुछ जो है जैसे दिग्गी राजा ने कहा कि और कुछ एक सवाल जैसे आप तमाम आरोप पे आरोप ढालते जा रहे हैं, यानी अपने प्रधानमंत्री के बारे में बताइए, राम मंदिर के बारे में बोलिए कि राम मंदिर में जिस तरह से शिला पूजन होने जा रहा है और काफी संख्या यहाँ पर बढ़ेगी, तो वैश्विक महामारी जो कोविड-19 वैश्विक महामारी है इसको देखते हुए इसमें कैसे पालन होगा। जैसे अभी जो चल रहा है WHO का भी चल रहा है कि आप लोग सोशल डिस्टेंस मस्ट, मास्क इज मस्ट, ग्लव्स इज मस्ट, तो इसमें क्या वैश्विक महामारी नहीं फैलेगी लोग जब भीड़ होगी तो? आप इसको जवाब दें। आप देखिए, ऐसा है कि जो 5 अगस्त को जो है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा राम मंदिर निर्माण के लिए जो भूमि पूजन का कार्यक्रम रखा गया है उसमें बिल्कुल भीड़ भाड़ नहीं होनी है। लोग लाइव प्रसारण के माध्यम से घर में बैठे जो है सारे कार्यक्रम को देखेंगे और हम लोग इसके लिए अभी से आग्रह करना शुरू कर दिए हैं सारे देशवासियों को कि आप लोग बिल्कुल अयोध्या नहीं, घर में बैठे बैठे और लाइव प्रसारण के माध्यम से जो है इसका दर्शन करेंगे। और जो लोग उसमें कुछ गिने चुने लोग आ रहे हैं वो भी सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके रखेंगे और निश्चित रूप से ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के कारण भारत का गौरव है और जो वैदिक संस्कृति भारतीय संस्कृति है उसका समग्र दर्शन राम के चरित्र से मिलता है। तो मेरा मानना यह है कि कोविड-19 जो है भूमि पूजन के साथ साथ खत्म हो जाएगा। एक सवाल, जैसे ये हम बताएंगे जैसे प्रभु श्री राम का राम मंदिर बनने जा रहा है तो यहाँ की जनता, यहाँ की आवाम यानी हिंदू धर्म के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? मैं सभी देशवासियों से ये कहना चाहता हूँ
कि जो 70 सालों से विदेश, देखिए मुगल काल में हमारी संस्कृति पर कुठाराघात हुआ, ब्रिटिश शासन में हुआ और कांग्रेस ने मारा भी चौपट कर दिया। लेकिन अब मैं देशवासियों से कहना चाहता हूं कि आप मोदी जी का साथ दीजिए और मोदी जी से दोबारा राम राज्य का जो है तो फिर एक सुशासन लीजिए। जैसा कि सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो हम तुम्हें आजादी देंगे। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं धर्माचार के नाते कि आप मोदी जी का साथ दीजिए और मोदी जी आपको जो है राम राज्य देंगे और राम राज्य की शुरुआत 5 अगस्त से हो जाएगी, मेरा मानना है। ये थे परमहंस रामदास जी और इन्होंने बताया प्रभु श्री राम की नगरी है और यहाँ पर जिस तरह से 5 अगस्त चुना गया है, यानी 5 अगस्त में धारा 370 भी समाप्त किया था, आज ही के 5 ही अगस्त को, यानी 5 अगस्त चुना इसीलिए गया है भारत का संविधान बचाने के लिए, 370 हटाया गया है। और जिस तरह से यहाँ पर जो चल रहा है कार्यक्रम, सोशल डिस्टेंस को ध्यान रखते हुए शिला पूजन होगा और लाइव प्रसारण के माध्यम से लोग अपने अपने घरों में बैठकर देखेंगे। मैं सुबोध श्रीवास्तव, टीवी वन इंडिया न्यूज, अयोध्या से। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए सुबोध श्रीवास्तव की रिपोर्ट, अयोध्या।